मैं भी छब्बीस साल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे रहा लेकिन आज तक कभी भी इन लोगों ने किसी भी वर्कर को आज किन लोगों किन लोगों लो, ने यहां की लीडरशिप जो है नेशनल की उन लोगों ने आज तक किसी को उठने नहीं दिया है जिसने भी जरा भी सार उठाने की कोशिश की जिसने भी, जरा पार्टी में अपनी आप भी तो यूथ लीडर है जब मैं उमर साहब से अपनी पहचान बनाने लगा जब मैं फारूक साहब से पहचान बनाने लगा लगा यह बात इन दिन फटने लगी ये बार बार मुझे कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हो आप बनाया है वर्करों की बात करना क्या जायज नहीं है यहाँ पर यहां हमारे इतने तो तो फिर कहीं ना कहीं इन्होंने शासन शुरू कर दी और टॉप लीडरशिप को बोलने लगे कि यह पार्टी की एक्टिविटीज काम कर पार्टी की अ, एंटी काम कर रहा है इसकी जो एक्टिविटीज है वो पार्टी की तो तो होती थी, थी। और ये कभी नहीं चाहते हैं आज तक इन्होंने कभी किसी भी लीडर को ये डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट को पार्टी के वर्कर को कभी नहीं कहा कि ये किसी दूसरी जगह जाएंगे वेलकम टू द बोल्ड वॉइस हमारे साथ इस वक्त फारूक साहब हैं जिन्होंने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की फारूक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करनी पड़ी फारूक साहब आपका स्वागत है बोल्ड वाइज में फारूक साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नाम के साथ आखिर आप अपने नाम के साथ डी क्यों लगाते हैं फारूक साहब देखिए सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज आपने यहाँ मुझे मौका दिया आपके साथ मुलाकात का आपके साथ रूबरू होने का रहा सवाल आपने ये पूछा कि आपके नाम के साथ ये डीडी जुड़ा है तो ये डीडी फारूक के नाम से क्यों आप जाने जाते हैं देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरा जो प्रोफेशन है जिससे मेरी पहचान है किश्तवाड़ में कि मैं एक पेंटर हूँ मैं एक यहाँ आई से जब मैंने यहाँ पेंटिंग सीखी थी जब मैंने डिप्लोमा किया उसके बाद मैंने फ़ाइन आर्ट का कोर्स किया तो मैं जब यहाँ बोर्ड बनाता था मैं तो मैं ये ख़ुद डिज़ाइन करता था तो फिर नाम ही रखा मैंने इस पर डिज़ाइनर देव फ़ारूक़ इसलिए मेरा नाम डे डी फारूक है फारूक साहब बात करते हैं सियासत की तो आप काफ़ी अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल कैरियर कैसा के रहा और कब तक कब से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे जी मैं 1996 में मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी उन्नीस में, में उसके बाद फिर 2019 तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए ज्वाइन की थी कि ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आइडियालॉजी को देख कर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी तब इस पार्टी में आइनी एसासी को देख कर जोग दर जोक जैसे जम्मू कश्मीर में इस पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फिर फारूक साहब आए फिर उमर साहब आए फिर इन्होंने इस आइनी एसासी की धजियाँ उड़ा दी और फिर कहीं ना कहीं हम जो है इस पार्टी से फेडअप हो रहे थे कि जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो एक ख्वाब था इस ख्वाब को आगे जिन लोगों ने इस तंजीम को चलाया इन्होंने इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया तो फिर यही वजह रही कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही क्यों आपको नजर आई कि आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना था बाकी भी काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों आपको शमूलियत करनी पड़ी इसकी कोई खास वजह देखिए इंसान जो है वो हमेशा सोचता है कि कोई एक अच्छी ऐसी पार्टी मिले देखिए बीजेपी जो एक एक नेशनल पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम कब तक तालाब के मेंढक बन के रहेंगे तालाब के अंदर ही टुर टुर करते रहेंगे इसलिए हमने रीजनल पार्टीज़ को खेराबाद करके हमने बीजेपी का दामन थामा है और हमारे दिल ने हमारे दिमाग ने हमें इसकी इजाज़त दी कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे लिए एक सही पार्टी है यहाँ हमारा फ्यूचर अच्छा है इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का दाम थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी और आइडियोलॉजी को देखकर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो किश्तवाड़ की लीडरशिप है उनके साथ कोई ज़िद की वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की नहीं भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर भी हमने पार्टी ज्वाइन की है उनकी जो नीति है उनकी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए जो नरेंद्र मोदी की जो स्कीमें हैं जिससे काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी स्कीमें उन्होंने लॉन्च की है जिससे काफ़ी सारे लोगों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है उस आइडियोलॉजी को देख कर, हमने पार्टी ज्वाइन की है हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये लीडरशिप कम है और डिक्टेटरशिप ज़्यादा है और वहाँ से भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज तक मैं भी 26 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे रहा लेकिन आज तक कभी भी इन लोगों ने किसी भी वर्कर को आज किन किन लोगों किन लोगों ने यहाँ की लीडरशिप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन लोगों ने आज तक किसी को उठने नहीं दिया है जिसने भी जरा भी सर उठाने की कोशिश की जिसने भी जरा पार्टी में अपनी पहचान आप भी, भी तो यूथ, यूथ लीडर थे कौन कौन से लीडर ऐसे खसूसी कौन से लीडर हैं आप भी तो यूथ लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल था मैं दो में अक्टूबर दो में डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बना मैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू में तो रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला लेकिन जब मैं उमर साहब से अपनी पहचान बनाने लगा जब मैं फारूक साहब से पहचान बनाने लगा जब मैं सागर साहब से पहचान बनाने लगा जब मैं अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एजाज जान साहब से अपनी पहचान बनाने लगा जब मैं अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पेरेंट्स बॉडी जो देवेंद्र सिंह राणा साहब से पहचान बनाने लगा यह बात इनको खटकने लगी ये बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे थे कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हो आप खाली डिस्ट्रिक्ट की बात करो आप प्राविंश लेवल पर क्यों जाते हो आप इन लीडरों के साथ में क्यों मिलते हो वहाँ से मुझे ये लगा कि नहीं कहीं ना कहीं ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले इन्होंने बाकी लोगों को दबाने की कोशिश की इन्होंने किसी को उठने नहीं दिया वैसे ही इन्होंने मुझे भी किया वहाँ पर इन्होंने कभी भी हाँ वर्करों की बात करो आप तो हमेशा इन से कि आप अपनी बात करो तुम्हें क्या चाहिए तुम अपनी बात करो तुम वर्करों की बात मत करो वर्कर जाने हम जाने क्या वर्करों की बात करना कोई जुर्म है अगर पार्टी में मैं अहदे पे हूँ अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त दो कॉन्स्टिटुंसी थी और मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से बार बार ये हदायत हो रही थी कि तुम खाली किश्तवाड़ को फोकस करो तुम इंद्रवाल की तरफ इंटरेस्ट मत दो तुम इंद्रवाल में मत जाओ तुम वहाँ यूनिट मत बनाओ और मुझे टार्चर कर रहे थे और जब मैं अपनी लीडरशिप से मैं टॉप लीडरशिप से जा जब मैंने उनसे बात की मुझे बताइए कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ या एक मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट हूँ मुझे अपनी पार्टी की जो मकामी जो लीडरशिप यहाँ की है जो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट है वो बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है वो बार बार मुझे कह रहा है कि तुम इंद्रवाल की तरफ मत जाओ तुम खाली किश्तवाड़ की बात करो और अपनी मर्जी से मत चलो जब हम आपको डायरेक्शन देंगे जैसे हम आपको बोलेंगे वैसे आपने चलना है ये कौन सा तरीका है फिर किसने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है क्या पार्टी वर्करों की बात करना हक ये पार्टी के वर्करों की बात करना क्या जायज़ नहीं है यहाँ पर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं इन्होंने शासन शुरू कर दी और टॉप लीडरशिप को बोलने लगे कि यह पार्टी की एक्टिविटीज़ काम कर पार्टी की एंटी काम कर रहा है इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पार्टी की एंटी हैं फिर मैंने कहा मुझे बताइए कि मैंने कहाँ पार्टी की एंटी काम कौन सा काम किया है कि मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ मैंने किश्तवाड़ की में पूरा यूनिट खड़ा कर दिया मैंने तरगांव बलाक में यूनिट खड़ा कर दिया मैंने पलमाड़ में खड़ा कर दिया मैंने पटियाना में किया मैंने दक्षिण में किया मैंने पाटर में किया मैंने मड़वा में किया खाली आपके साथ हुआ कि आपकी पार्टी में जो आपकी जो पुरानी पार्टी थी उनके बाकी लीडर्स के साथ भी ये सब चीज़ें हुई जैसा कि आप बता रहे हैं कि खाली एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे वो खाली आपके साथ ही जिद करते यहाँ बाकी भी लीडर्स जो आपकी पार्टी में थे उनके साथ भी होता था नहीं बाकियों की बात मैं नहीं करूँगा कहीं ना कहीं इनको चुप रहा था ये बात इनको चुप रही थी कि ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है ये हमारी कंजेंट के बग़ैर ये कभी नवा सबू कश्मीर दफ्तर में जाकर अपनी प्रेजेंस दिखाता है कभी शेर कश्मीर भवन में जाकर अपनी प्रेजेंस दिखाता है ये बात इनको हजम नहीं होती थी और ये कभी नहीं चाहते हैं आज तक इन्होंने कभी किसी भी लीडर को ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पार्टी के वर्कर को कभी नहीं चाहा कि ये किसी दूसरी जगह जाएंगे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस वक्त डी फारूक साहब जिन्होंने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन